आपका मेरे ऑसम चैनल एडवांस यूआई टेक्निक्स पे। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम इस टेम्पलेट को आगे से बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, प्रीवियस वीडियो में हमने इसमें हेडर का इतना पार्ट कर लिया था। ओके, देखिए कितना ऑसम हमारा ये लग रहा है, लॉग इन साइन अप, एंड ये हमने टूल टिप वगैरह लगाई थी, एंड ये आइकन हमने लगाए थे। इसमें मटेरियल यूआई का भी यूज किया हमने, एंड टेलीमेंट सीएस का भी यूज किया हमने। ओके, एंड आज की वीडियो में हम इसमें नेविगेशन बार बनाएंगे, ये बॉटम का हेडर सेक्शन कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। सो गाइज देखिए, ये बहुत अच्छी टेम्पलेट होने वाली है हमारी। सो गाइज मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को आप पूरा देखें एंड अच्छे से सीखें कि कैसे ई कॉमर्स वेबसाइट बनाई जाती है रिएक्ट जेएस में। ओके, एंड अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो प्लीज जाके चेकआउट कर लेना, ये वाली प्लेलिस्ट है। ओके, इसमें मैंने सेकंड वीडियो कल अपलोड की थी। ओके, एंड अगर आप मेरे चैनल एडवांस यूआई टेक्निक्स पे नहीं है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं आपके लिए बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करा रहा हूँ यूट्यूब पर। सो गाइस चलिए देर न करते हो, आगे बढ़ते हैं। ओके, एंड मैंने प्रीवियसली और भी अच्छी यहाँ पर ई कॉमर्स की प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं, देर न करते हो। सो मैं इसको क्लोज करता हूँ, एंड गाइस ये डेमो है। अब मैं पहले इसका ये शॉप बाय कैटेगरी का ये वाला सेक्शन बनाऊंगा, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे बनाते हैं हम। सो गाइस मैं क्या करूंगा, तो ये हमारा कोड है, ये हमारा लास्ट टाइम वाला कोड था, ठीक है। सो अब इसके अंदर मैं क्या करता हूं, यहां पर ये जो हेडर था ना, हेडर, एंड यहां पर मुझे क्या करना है, सेम टू सेम बॉर्डर बॉटम 1 पिक्सल। सो जैसे कि हमारा यहां पर देखिए बॉर्डर भी आ चुका है, एंड थोड़ा सा इसमें मैं पैडिंग और ऐड करूंगा, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा ये अच्छा लग रहा है। ओके, अब यहां पर ये स्टार्ट कर देंगे बनाना। तो मैं इसको क्लोज करता हूं यहां से, एंड यहां पर स्टार्ट करूंगा नेविगेशन पार्ट। ओके, तो नेविगेशन को हम एक अलग से कॉम्पोनेंट बना लेंगे, यहां पर हेडर गए, एंड इसके अंदर नेविगेशन, एंड इसकी स्टाइल, एंड इसमें इंडेक्स डॉट जेएसएक्स। ओके, बाकी को मैं भी क्लोज करता हूं, इसको मैं क्लोज कर दूंगा, एंड हेडर को रहने दूंगा, एंड यहां पर बनाऊंगा मैं इसका नेविगेशन। सो मैंने यहां पर एक फंक्शनल कंपोनेंट बनाया है, नेविगेशन, एंड नेविगेशन, एंड यहां पर एक्सपोर्ट डिफॉल्ट नेविगेशन, एंड इसको यहां से रिमूव कर दूंगा। ओके, तो मैंने इसका एक कंपोनेंट बना लिया है, एंड यहां पर मैं इसको इंपोर्ट कर लेता हूं नेविगेशन को। ये ऑटो सजेशन ये रहा नेविगेशन। ओके, एंड अब देखोगे कि यहां पर एक नेविगेशन का टैब भी आ गया, ये रहा नेविगेशन। ओके, एंड इसमें अब हम काम करने वाले हैं, एंड सबसे पहले गाइस मैं यहां पर क्या करता हूं, मैंने हेडर में सीएसएस नहीं दिया है, ठीक है। तो मैं यहां पर कर लेता हूं हेडर, अच्छा यहां ना करके मैं यहां पर क्लास ऐड करूंगा बीजी वाइट। ओके, एंड बीजी वाइट से पहले मैं यहां पर जो ये बॉडी में कलर है ना, इसको भी ऐड कर लेता हूं। तो मैंने ये वेबसाइट ओपन करी है, ये फोटोशॉप है हमारा ऑनलाइन। सो मैं यहाँ पर एक न्यू फाइल लूंगा, मैंने स्क्रीनशॉट ले रखा है इसका, प्रिंट स्क्रीन ले लिया है। एंड यहां पर उसको पेस्ट कर दूंगा, एंड मैं यहां से इसका कलर ये वाला चूज कर लूंगा, ये वाला। ओके, एंड यहां पर जाके मैं क्या करूंगा, बॉडी में बैकग्राउंड ये वाला फिल कर लिया मैंने। सो गाइस देखिए अब ये ऐसा आ रहा है। ओके, सो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। सो मैं नेविगेशन पे आया, यहां पर नेव टैग लिया, एंड यहां पर एक कंटेनर लेंगे, एंड ये जो हमारा नेव है इसके अंदर नेविगेशन ये वाली बनाएंगे हम, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम ये वाला काम करेंगे। सो मैं ओपन करता हूं इसका रिएक्ट आइकन्स। मैंने गाइस ओपन किया यहां पर,
एंड यहाँ पर लिखेंगे हम, देखिए यहाँ पर तीन टैब है, फर्स्ट सेक्शन, थर्ड सेक्शन एंड फर्स्ट सेक्शन सेकंड सेक्शन एंड ऑल्सो थर्ड सेक्शन। ओके, तो फर्स्ट सेक्शन पे हम अपना काम करना स्टार्ट करेंगे। तो मैं यहां पर करूंगा, इसको करूंगा कंटेनर में फ्लेक्स आइटम सेंटर एंड जस्टिफाई एंड क्लास नेम कॉल वन। कॉल वन में कॉलम वन होगा हमारा, कॉलम टू में कॉलम टू एंड कॉलम थ्री में कॉलम थ्री। ओके, सो यहां पर हम इसको बटन बनाएंगे। बटन में, बटन मैंने बनाया एंड इसको इंपोर्ट कर लेंगे मेटेरियल यूआई से एंड इसको ऐसे ना करके यहां पर करेंगे में बटन। ओके, यहां पर बटन आ गया एंड इसके अंदर लिखेंगे शॉप बाय कैटेगरीज। शॉप बाय कैटेगरीज यहां पर आ गया, चेक करते हैं यहां पर, तो शॉप बाय कैटेगरीज देखिए यहां पर आ गया है क्योंकि मैंने जस्टिफाई कंटेंट एंड किया हुआ है। ठीक है, एंड अब इसके अंदर थोड़ी सी यहां पर हम करेंगे क्लास नेम टेक्स्ट ब्लैक ठीक है। टेक्स्ट ब्लैक किया तो मैंने यहां पर आना चाहिए था, तो मेरे को यहां पर इसको इंपोर्टेंट करना पड़ेगा। ठीक है, टेक्स्ट ब्लैक हमारा आ गया है, देख कितना अच्छा लग रहा है। ओके, एंड अब मैं यहां पर क्या करूंगा, सो पहले ना मैं यहां पर कॉल वन कॉल टू बना लिया, कॉल थ्री बना लिया, कॉल टू कॉल थ्री। ओके, एंड इसकी विड्थ मैं ऐड करूंगा 30% एंड देखिए इसके बाद यहां पर हमारी सीधा हम ये ऐड नहीं करने वाले हैं, सीधा यहां पर नेविगेशन आ जाएंगे हमारी, तो हम यहां पर कॉलम टू ही रखते हैं जैसे कि हमारा ये आया हुआ है। मैं आपको दिखाता हूं, मैं रिएक्ट आइकन पर क्लिक करूंगा पहले। सो गाइस देखिए इसके बाद हमारा सीधा ये आ रहा है ना, ये सेक्शन आ रहा है, तो ऐसे ही बनाएंगे हम। ठीक है, तो मैंने यहां पर देखिए एक ये कर लिया। ओके, एंड इसका राउंडेड जीरो करेंगे या फिर राउंडेड रहने देंगे इसको भी हम, एंड यहां पर एक मेन्यू का आइकन लेंगे मेन्यू। देखिए इस टाइप से यहां पर आइकन्स आ गए हमारे, आप कोई सा भी आइकन ले सकते हैं यहां पर, मैंने ये वाला ले लिया, देखिए ये रहा आइकन। ठीक है, तो मैंने इसको इंपोर्ट किया यहां से एंड यहां पर इसको यूज कर लिया। यूज कर लिया बेटा, यहां पर आया ही नहीं है, अब आएगा। सो गाइस देखिए यहां पर आइकन भी आ गया। ओके, एंड यहां पर मैं क्या करूंगा, गैप टू, यहां पर नहीं आया है, गैप है वो, गैप टू किया मैंने एंड देखिए यहां पर गैप टू आ गया है। ठीक है, एंड उसके बाद मुझे यहां पर क्या कर लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे यहां पर ये नेविगेशन है, पैडिंग वाई दिया बट इसको हम बाद में हटाएंगे। ठीक है, ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है ऐसे। ओके, इतना ही अच्छा लग रहा है ये, एंड थोड़ा सा इसका फॉन्ट साइज भी बड़ा होना चाहिए ना। तो मैं यहां पर क्या करूंगा, क्लास नेम टेक्स्ट 18px, देखिए अब अच्छा लग रहा है। ओके, एंड इसके बाद ये हमारा एक एरो का साइन है, तो यहाँ पर मैं एंगल सर्च करूंगा एंड यहाँ पर ये देखिए आइकन मिल गए हमको एंगल वाले, तो मैं कौन सा यूज कर लूंगा, बॉटम वाला ये रहा, या और भी एंगल हो सकते हैं लाइट वाले, तो लाइट वाला एंगल मिल सकता है क्या हमको, ये रहा। ये रहा लाइट वाला, बट आई थिंक ना ये ज्यादा लाइट हो जाएगा हमारा, इस पे मैंने किया एंड एंड यहां पर क्लास नेम 18 सेम टू सेम एंड यहां पर करेंगे हम ML Auto क्योंकि ये
हमारे राइट में होना चाहिए आइकन। ठीक है ये आ गया, बट ये ज्यादा ही बड़ा हो गया है। 14 कर देंगे, 14 देखिए मैंने ये कर दिया है। एंड यहां पर फॉन्ट बोल्ड कर देंगे इसको, ये हमारा लाइट आइकन है इसलिए ऐसे ही आएगा ये। थोड़ा सा और 13 कर देंगे इसको। सो गाइस यहां पर हमको थोड़ा सा इसको बड़ा करना है, तो यहां पर मैं क्या करूंगा, डब्ल्यू फुल यानी कि फुल विड्थ, देखिए यहां तक आ गया है ना। एंड इसको थोड़ा सा 25 करते हैं, एंड इसको 75, एंड अब भी ज्यादा है ये, इसको 20 कर दिया, एंड इसको कर दिया हमने 80। हाँ अब थोड़ा सा अच्छा लग रहा है ये, ठीक है। एंड अब इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं ये थोड़ा सा, देखिए यहाँ पर मैं बड़ा करता हूँ इसको, तो आप ये देख पाओगे यहाँ पर एक, यहाँ पर एक एरो सा आ रहा है, इसको लगा सकते हैं या नहीं भी लगा सकते हैं, हम छोड़ देते हैं इसको, ठीक है। अब यहाँ पर हम ये चीज़ लगाएंगे होम फैशन, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, कॉल टू के अंदर यूएल क्लास नेम फ्लैक्स आइटम सेंटर, यहां पर एल आई क्लास नेम लिस्ट नन, एंड यहां पर आएगा हमारा लिंक टैग जो कि हमको इंपोर्ट करना है रिएक्ट राउटर डॉम से। पहले इसको हम इंपोर्ट कर लेते हैं, रिएक्ट राउटर डॉम से इंपोर्ट कर लिया। एंड इसके अंदर आएगा हमारा टू, ये आएगा हमारा होम, एंड यहां पर क्लास नेम देंगे हम लिंक एंड ट्रांजिशन, ओके। एंड यहां पर चेक करेंगे हम, यहां पर देखिए ये ऐसा आ गया है। एंड सबसे पहले यहां पर हम पैडिंग थोड़ा सा स्पेस करेंगे हम। सो गाइस स्पेस ऐसे करने की बजाय हम यहां पर गैप देंगे, गैप यहां पर गैप 5, ठीक है। गैप को हम यहां पर 8 कर देंगे, तो ये थोड़ा सा अब सही लग रहा है ना ये। एंड यहां पर क्लास ऐड करेंगे टेक्स्ट 16px, एंड फॉन्ट वेट होगा इसका 500, ये सही लग रहा है। एंड इसका फॉन्ट साइज होगा 14, देखिए अब कितना अच्छा लग रहा है ना। एंड इसको मैं क्या करूंगा, ये फ्लैक्स है, एंड यहां पर गैप 3 का कर दूंगा मैं, एंड मैं इसको कॉपी पेस्ट करूंगा, ठीक है ना, ऐसे आ रहा है। एंड मैं अभी के लिए आइटम्स यही रख लूंगा, अभी क्या आ रहा है यहां पर, ऐसे आ रहा है ना। तो मैं यहां पर ऐड करूंगा यहां पर ये देखिए हमारी मेगा मेन्यू बनने वाली है गाइस, इसमें मेगा मेन्यू बनाएंगे हम। तो यहां पर आएगा हमारा, यहां पर आएगा हमारा होम फैशन, फैशन के बाद इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। जैसे कि मैं यहां पर ऐसे करके ना सारे टैब के नाम यहां पर मैं ले लूंगा, जैसे यहां पर आएगा इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स आ गया। अब इसके बाद है हमारा बैग्स, फुटवेयर, ओके फुटवेयर के बाद है हमारा ग्रोसरीज, तो फुटवेयर के बाद हमारा आएगा ग्रोसरीज ले लेंगे, अब चेक करते हैं कैसा आ रहा है हमारे यहाँ पर। सो गाइस देखिए ये ऐसा आ रहा है, ठीक है ना। एंड यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस ना और होना चाहिए था, सो मैंने यहाँ पर क्या काम किया, गैप को कर दिया 4,
भी गैप ज्यादा ही कम है, गैप कर दिया 5, अब थोड़ा सा अच्छा लग रहा है ना। एंड ग्रोसरीज के बाद आएगा हमारा ब्यूटी वेलनेस, ब्यूटी वेलनेस ब्यूटी वेलनेस आ गया। एंड उसके बाद है वेलनेस के बाद आई थिंक हमारा है देखिए किसी ने यहाँ पर मेरा इसको अपडेट किया हुआ है, मैं जरा इसको पहले अपडेट कर लूँ। मैं रखूंगा ज्वेलरी नाम। सो गाइस देखिए अभी ज्वेलरी आ गया, ठीक है ना। आप और भी कैटेगरीज इसमें ऐड कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। तो गाइस ये दो तो हमारे सही लग रहे हैं, एंड राइट में हमारा ना ये भी आ सकता है हमारा, है ना। एंड अगर मैं यहाँ पर, ये अच्छा लग रहा है वैसे काफी। अभी और क्या सकता है यहाँ पर, ये भी ऐड कर लेंगे हम, ठीक है। एंड ये कॉलम 2 था हमारा, जो कि हमारा होगा 65। एंड इसको मैंने क्लोज किया, एंड देखिए ये अब थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। एंड यहां पर जाके मैंने क्या कम किया, इसको कर लिया 3, एंड इसकी विड्थ रखेंगे हम 15, बाकी जो बची हुई है 100 में से। तो देखिए अब ऐसा आ गया। अब इसके अंदर मैं ये ऐड करूंगा। ओके देखिए ये यहां पर आ चुका है, ये यहां पर आ जाएगा। एंड इसका फॉन्ट साइज होगा हमारा 14px। एंड हम यहां पर चेक करेंगे क्या इसकी विड्थ 62 ही सही है या नहीं है। ये सही है वैसे, थोड़ा सा बस इसका ये फॉन्ट साइज और कम करना है हमको। एंड यहाँ पर फॉन्ट फॉन्ट 500। सो गाइस मुझे एक काम और करना पड़ेगा, ये जो कंटेनर है ना इसको 95 करना पड़ेगा, ठीक है। अब अच्छा आ रहा है ना। एंड अब हम इसका और फॉन्ट साइज इंक्रीज कर सकते हैं। एंड इसको कर देंगे हम 18, एंड इसको 62, इसको कर देंगे 60, इसको कर देंगे 20। तो अभी सही आ रहा है। यहां पर मैंने सर्च किया रॉकेट, सो गाइस रॉकेट का आइकन मैंने ये वाला यूज कर लिया। ओके एंड यहां पर फ्लैक्स आइटम सेंटर, एंड यहां पर गैप, गैप को 3 कर देंगे। एंड यहां पर MB0 एंड MT0। सो गाइस यहां पर नहीं आया अभी, देखिए अब आएगा। वेरी गुड, ये आइकन भी आ गया हमारा। एंड इसका फॉन्ट साइज टेक्स्ट 18px। देखिए गाइस कितना अच्छा लग रहा है ये हमारा ना। सो गाइस देखिए हमारा ये हेडर पार्ट भी, नेविगेशन का पार्ट भी रेडी हो गया बनके। एंड गाइस हमको इसके अंदर बस ये ठीक लग रहा है वैसे, कोई दिक्कत तो है नहीं, ठीक है ना। सो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर हमको एक चीज और कर लेनी है। अगर हम इसको बटन में कन्वर्ट करते तो यहां पर तो ये काफी अच्छा लगता है ना। फिर मैंने होम को किया है अभी तक, देखिए तो ऐसा हमारा
यूआई आ जाता। ओके तो ये क्लास यहां पर ऐड करते हैं जरा। एंड ये जो हमारी लिंक है नहीं, ये तो आ रहा है। मैं बस जस्ट चेक करने के लिए कर रहा हूं। एंड यहां पर टेक्स्ट टेक्स्ट कैपिटलाइज यहां पर अपर केस आ रहा है कहीं पे, देखिए रहा। सो मैं यहां पर क्या करूंगा, यहां पर चल नहीं रहा ये, नेव के अंदर बटन जो है टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कैपिटलाइज। ओके अब आ गया ये। एंड ये जो डिफॉल्ट में हमारा कलर आ रहा है, कहां से आ रहा है कलर, है ना। तो मैं डिफॉल्ट में यहां पर कलर भी ऐड कर दूंगा। ये तो ब्लैक ही दे रहा है कलर। मैंने डिफॉल्ट में ये कलर दे दिया है एंड यहां से टेक्स्ट ब्लैक हटा दिया है। एंड यहां पर फॉन्ट 500 इंपोर्टेंट कर देंगे इसको। ओके एंड यहां पर थोड़ा सा ये कलर ऐड कर दिया हमने। ओके एंड यहां पर इसको एंड यहां पर फॉन्ट वेट इसका रखते हैं हम 400। कौन सा अच्छा लग रहा है, ये वाला विदाउट इसका या ये वाला। क्योंकि हमको इसको ना अच्छे से अच्छा बनाना है, चलिए बटन वाला ही रखते हैं हम। ठीक है। एंड तो मैं यहां पर क्या करूंगा, ये यहां पर भी रिफ्लेक्ट कर गया, तो मैं क्या करूंगा यहां पर यूआई ऐड कर दूंगा। देखिए यहां पर मैं क्या करता हूं, इसको हटाता हूं एंड ये जो कलर है ना इसको कॉपी करता हूं, यहां से ना देखो वहां से देंगे हम कलर। ये जो हमारा है एंड कलर,
मैंने इम्पोर्टेंट कर दिया तो रेड, तो यहां पर मैं क्या करूंगा RGBA 0.5 कर दूंगा, तो यहां पर देखिए कलर आ जाएगा, आ गया। एंड यहां पर 7 कर दूंगा, एंड इसके होवर पे टेक्स्ट रेड इंपॉर्टेंट, यहां पे ऐसा आएगा नहीं, टेक्स्ट रेड ऐसा आएगा। ओके एंड यहां पर मैंने क्या करा, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट यहां नहीं आएगा, यहां आएगा इंपॉर्टेंट, आ गया ठीक है। एंड मैंने ये वाला कलर पिक किया एंड यहां पर पेस्ट कर दिया, कॉपी किया, इसे पेस्ट कर दिया। ओके अब देखिए ये यहां से आ गया, ये अच्छा लग रहा है काफी। एंड थोड़ा सा 7 की जगह इसको 8 कर देंगे, हाँ अभी थोड़ा सा अच्छा लग रहा है ना। एंड होवर पे टेक्स्ट ऐसा हो रहा है, एंड मैंने क्या बॉडी में भी ऐड कर दिया कुछ, यहां पर ऐड कर देंगे। नाइन, हाँ अब थोड़ा सा अच्छा लग रहा है ये, तो हम बटन ही ऐड करेंगे इसके अंदर, ठीक है ना। सो मैं इसे कॉपी कर लूंगा इतना, एंड कहाँ पे ऐड करना है मुझे, यहां पर सबसे पहले मैं ना ऐड कर लूंगा सबके अंदर, बैग्स में, फुटवेयर में, ग्रोसरीज, ब्यूटी, वेलनेस, जो भी हमारा आइटम है, ये कर लिया मैंने। एंड यहाँ पर स्लैश बटन आ जाएगा, एंड इसको कॉपी करूंगा मैं, बाकियों में रिप्लेस, ओके गाइस। अब चेक करते हैं यहां पर हमारा, देखिए सारे बटन आ चुके हैं। एंड यहां पर थोड़ा सा गैप गैप को हमने कर दिया 4, गैप को और कम करना पड़ेगा हमको 3, ठीक है ना। अब ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, एंड थोड़ा सा अगर स्क्रीन छोटी होगी तो चलो बाद में देखते हैं इसको हम। सो गाइस देखिए अभी ये इतना अच्छा बन चुका है हमारा, ठीक है ना। एंड इसमें देखिए बहुत अच्छी तरह से हमने काम किया हुआ है, यहां पर देखिए इसका ये जो रेड रेड आ रहा है ना ये वाला, ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा, ये अगर वैसे ही आता ना तो थोड़ा अच्छा लगता ना। सो देखिए इसको कैसे ठीक कर सकते हैं हम, गाइस बटन के अंदर ना हम जाएंगे तो यहां पर ये आता है, इसे हम कॉपी कर लेंगे, यहां पर जाएंगे बटन होवर में ये जो है, एंड इसके अंदर बैकग्राउंड ये कर देंगे हम, ये कर देंगे हम ये वाला। अच्छा अब भी नहीं आ रहा ये, तो मैं क्या करूंगा यहां पर जाऊंगा, इसको ऐसे करूंगा, एंड अब चेक करूंगा कैसे आ रहा है ये, जो बटन के अंदर ये आता है हमारा, देखिए इसके अंदर हमारा कुछ बनता है, ये कुछ बन रहा है हमारा ना, या इसके अंदर आफ्टर होगा कुछ, बिफोर होगा, हम पहले आफ्टर चेक करते हैं,
आफ्टर नहीं है, बिफोर होगा। इसको हटाई देंगे हम। अच्छा ये होवर पे नहीं लेंगे, ये ओनली बटन के अंदर ही ऐसे कर लेंगे। RGBA 0, ठीक है ना, ऐसे ऐसे करेंगे। एंड इसके अंदर पहले हम आफ्टर चेक करेंगे, आफ्टर नहीं है ये, बिफोर चेक करेंगे। सो गाइस ये बिफोर भी नहीं मिल रहा है हमको, तो इसको छोड़ देंगे हम। ये पहले अच्छा लग रहा था। एंड एक काम करेंगे हम, बटन पे जो हम होवर करेंगे ना, होवर पे बैकग्राउंड डन कर देंगे, ओनली क्लिक पे ही दिखाएंगे हम। अब थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, देखिए ना। अब थोड़ा सा अच्छा लग रहा है ये। सो गाइस चलिए इतना तो हमारा काम हो गया। ओके अब हम इसके आगे का काम करना स्टार्ट करेंगे दोस्तों। एंड यहां पर हमने ये कर लिया, अब हम करेंगे ये साइड पैनल ओपन, ठीक है। तो ये देखिए साइड पैनल कैसे करके आएगा हमारे पास। ये हमारे पास मटेरियल यूआई में ऑप्शन होता है, बहुत अच्छा ऑप्शन ऑप्शन होता है, सब बना बनाया मिल जाता है हमको। तो मैं आपको दिखाता हूँ, मटेरियल यूआई पे गए, कंपोनेंट्स में जाएंगे, कंपोनेंट्स में गया एंड एप बार पेपर, या फिर इसमें होगा हमारा स्टैक। कहीं तो था हमारा ये, मैं चेक करता हूँ एक बार। ट्रांसफर लेट्स बैच चिप, डायलॉग में तो नहीं है, नहीं डायलॉग में भी नहीं है, ऐप बार में होगा। हाँ इसमें ही था आई थिंक। कहाँ देखा था मैंने ये, इसमें तो नहीं है। ये रहा, देख कितने अच्छी तरह से ये ओपन हो रहा है ना ड्रॉअर। देखिए राइट से, टॉप से, बॉटम से, सब कुछ कर सकते हैं हम। एंड देखिए और भी ज्यादा इसके, वाओ कितना अच्छा है, ठीक है। इसी को हम यूज करने वाले हैं गाइस, तो चलिए इसको यूज करते हैं दोस्तों। तो मुझे देखिए ये कोड यूज कर लेना है, एंड इसके लिए अलग से एक कंपोनेंट बनाएंगे हम नेविगेशन में। एक न्यू फाइल बना लेंगे हम, कैटेगरी कैटेगरी पैनल डॉट जेएस एक्स, ठीक है। एंड मैंने यहां पर RAFC करेंगे, एक फंक्शनल कंपोनेंट बनाएंगे।
मैंने ये किया ओके एंड इसको मैं कहां पर यूज कर लूंगा। एक्चुअल में दोस्तों हम इसको इसी के अंदर यूज करेंगे क्या? हाँ इसी के अंदर यूज कर लेंगे हम। ठीक है तो मैं इसको क्या करूंगा, पहले ऐसे रिजेक्ट फ्रेगमेंट में ऐड करूंगा एंड यहां पर ये नाम करूंगा एंड इसको इंपोर्ट कर लूंगा। ये हो गया इंपोर्ट। ओके तो देखिए यहां पर कैटेगरी पैनल कंपोनेंट भी आ गया है एंड मैं इसको ऐसे ना लिख के ऐसे लिखूंगा। ठीक है अब इस पे हम काम करेंगे यहां पर। तो सबसे पहले मुझे क्या कर लेना है, सारे ही कॉपी कर लेंगे हम। ओके एंड इसके बाद ओपन एंड ट्रू। इसको मैंने क्या किया, एक स्टेट लिए एंड इसके बाद ये ड्रॉ लिस्ट है, ये कहां पे बनेगा हमारा, रिटर्न से पहले यहां बना लिया एंड इसके अंदर हमारा ये होगा हमारा, ये जो हमारा रिटर्न है नीचे वाला, यहां पर रिएक्ट फ्रैगमेंट ओपन करेंगे ऐड करेंगे एंड यहां पर देखिए। अब हम चेक करते हैं एक बार, ये क्या बोल रहा है, फेल्ड रिसॉल्व आइकन्स, मेटेरियल आइकन्स है नहीं इसके अंदर इसलिए ये इश्यू क्रिएट कर रहा है। तो यहां पर हमारे आइकन्स कौन से हैं, ये वाले आइकन्स हैं। ठीक है तो देखिए यहां पर मैं डेमो दिखाता हूं आपको, ये रहे। ठीक है ना तो मैं यहां से क्या करूंगा गाइस, मैंने यहां से आइकन्स, यहां पर आइकन्स आ रहे हैं हमारे, आइकन्स नहीं आ रहे हमारे। ठीक है तो मैंने यहां से आइकन्स हटा दिए एंड ये आइकन्स नहीं आ रहे हैं, इसको हटा देंगे। अब चेक करेंगे हम क्या इशू आ गया, अब चल तो जाना चाहिए। यूज स्टेट इज नॉट डिफाइंड, तो यूज स्टेट को इंपोर्ट कर लेंगे, पहले इंपोर्ट कर लिया। एंड यहां से यूज स्टेट ओके। अब रिफ्रेश करता हूं मैं, अब क्या एरर दे दिया हमने, इनबॉक्स आइकन इज नॉट डिफाइंड, इनबॉक्स आइकन कहां गया, ये रहा। इस आइकन को हटाई देंगे हम, देखिए गाइस आ गया, देखिए कितने अच्छे तरीके से ये यहां पर बन गया है। ठीक है ना ड्रॉअर, तो गाइस इसी को अब हम मैनेज करेंगे। ठीक है ना अब देखिए हमको कहां पे इसको ओपन करने लगा है, बटन तो हमारा पीछे है। ठीक है ना बटन तो हमारा पीछे है, तो इसको हमको क्या कर लेना है, यहां पर जाएंगे नेविगेशन पे, ये जो बटन है इसके क्लिक पे हमको ओपन कर लेना है, ओपन कैटेगरी पैनल, एक फंक्शन बनाया एंड यहां पर फंक्शन बनाएंगे हम ओके एंड यहां पर एंड इसको यहां पर एक स्टेट बनाएंगे, कॉन्स्ट इस ओपन कैटेगरी पैनल ओके एंड यहां पर सेट इज ओपन कैटेगरी पैनल, यूज स्टेट डिफॉल्ट पर रहेगा ये फॉल्स। ठीक है ना इसके क्लिक पे मैं कर दूंगा इसको ट्रू। ठीक है एंड
मैंने क्या काम किया यहाँ पर, ओके एंड ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन को इस प्रॉप्स के थ्रू मैंने मैंने पास कर दिया, ठीक है ना, ये मैंने पास किया। अभी आएगा इसके अंदर, ये आएगा यहां पर प्रॉप्स, ओके एंड और चीज भी हमको यहां पर पास कर लेनी है, एक तो हमको पास कर लेनी है इज ओपन, ओके एंड इसको मैंने क्या काम किया, अब मैं ऑन क्लिक पे देखिए यहां पर मैं क्या काम करूंगा, नेविगेशन पे जाऊंगा ऊपर, यहां पर इसको कॉपी करूंगा, इसको ट्रू करता हूं, यहां पर नॉट इक्वल टू ऐसा कर दूंगा, यानी कि ट्रू होगा तो फॉल्स होगा, फॉल्स होगा ट्रू हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको कॉपी करूंगा, यहां पर जाऊंगा ऑन क्लिक पे, ऑन क्लिक पे दोबारा ये फंक्शन कॉल कर लूंगा, प्रॉप्स डॉट ये वाला फंक्शन, ठीक है, इसका मतलब रहेगा कि अगर ट्रू है तो फॉल्स हो जाएगा, या सीधा हम यहां पर फॉल्स सेंड कर देंगे। एंड यहां पर अभी टू ही रख देंगे, इसे कॉपी किया, इसको हटा देंगे, ऑन क्लोज पे यहां पे जाएंगे, ऑन क्लोज पे यही फंक्शन कॉल करेंगे, एंड कहां गया, यहां पर फॉल्स आ जाएगा, ओके एंड अब इसकी कोई जरूरत नहीं है हमको, यहां पर ओपन की जरूरत मिलेगी हमको, यहां ओपन का रहेगा हमको ये वाला, प्रॉप्स डॉट इज ओपन पैनल, ठीक है ना, एंड अब यहां से हमारा दोनों ही हट जाएंगे। अब एक बार हम चेक करेंगे, रिफ्रेश करेंगे, सो ये डिफॉल्ट में ही हमारा ओपन हो रहा है। अच्छा तो मैंने यहां पर क्या काम किया, ऑन क्लिक देखिए क्लोज भी नहीं हो रहा ये, तो मैं ट्रू कैसे हो गया ये, यहां पर हमने फॉल्स सेंड किया, फिर यहां पर आया फॉल्स, यहां पर कुछ चीजें रहती हैं क्या, ओपन में तो मैंने पीछे से यही पास किया हुआ है, तो ये कैसे हो गया, सो मैं आता हूं यहां पर यूज इफेक्ट पे जाऊंगा, अलर्ट देखते हैं इसमें क्या आता है, ट्रू आ रहा है, ट्रू क्यों आ रहा है, मैंने रिफ्रेश किया, ट्रू क्यों आ रहा है, यहां पर फॉल्स, अब ट्रू हो गया, अगर हमने यहाँ पर फॉल्स कर दिया तो फॉल्स में चला गया, तो ये ट्रू क्यों हो रहा है, यहां से कोई गड़बड़ी है, ऐसे करें,
अच्छा ये आएगा यहां पर, सही तो है ये। एंड ऑन क्लोज पे ये फंक्शन भी काम नहीं कर रहा हमारा, तो मैं यहां पर जाता हूं, यहां पर एक अलर्ट प्रिंट कराता हूं। देखिए मैंने रिफ्रेश किया, अलर्ट आया, ठीक है ना। अब अलर्ट तो आया है, पहले मैं क्लोज का करता हूं, ऑन क्लोज पे क्रॉप डॉट ओपन कैटेगरी पैनल, क्लिक ही नहीं हो रहा, एंड जबकि यहां पर आ रहा है। ऑन क्लिक पे यहां छोटी सी गलती हुई होगी मेरे साथ, जस्ट ए मिनट, मैं इनको पहले की तरह करता हूं। देखिए ये यहां से प्रॉपर चल रहा है ना, पहले की तरह। तो यहां पर मिस्टेक क्या है, ये देखिए यहां पर क्या हो रहा है, एक स्टेट ले रखी है, इसको ट्रू फॉल्स कर रहे हैं बस, है ना। देखिए यहां पर ऑन क्लिक पे ये फंक्शन कॉल हो रहा है बस, अब अगर मैं यहां से मैंने ये यहां पर मैंने ऐड कर लिया ओपन कैटेगरी पैनल, तो मैं यहां पर प्रॉप्स डॉट ओपन कैटेगरी पैनल फंक्शन को कॉल करके देखता हूं कि ये कॉल हो रहा है। रिफ्रेश करता हूं मैं, एंड यहां पर मैंने अलर्ट भी लगाया हुआ है जो कि हमारा काम तो करना चाहिए, खैर कॉल ही नहीं हो रहा हमारा, कुछ एरर है क्या, प्रोसेस नॉट डिफाइंड। ओहो गाइस, ये हमारा ठीक था पहले, ठीक है ना, ठीक था हमारा पहले। तो मुझे यहां पर क्या कर लेना है, ये सब हटा लेना है, ओके। एंड यहां पर क्या आएगा, यहां पर प्रॉप्स डॉट ओपन, ठीक है, इसको फॉल्स कर दिया, आई थिंक मैंने यहां पर प्रॉप्स नहीं डिफाइन किया था, इसको कर दिया फॉल्स, एंड इसको हटा देंगे यहां से। अब चेक करें एक बार, अब काम नहीं कर रहा। एंड ये ओपन में क्या जाएगा, यहां पर ये भी काम नहीं कर रहा है। सो गाइस देखिए इसको हम ऐसे बनाएंगे, तो मैं यहां से ये फंक्शन तो हटा ही दूंगा, ठीक है ना, इसको मैं क्या करूंगा यहां पर ऐसे कर दूंगा, ठीक है ना। यहां पर सेट स्टेट हमने यहां से पास कर दिए प्रॉप्स के थ्रू, एंड मैं यहां पर जाऊंगा तो मैं यहां करूंगा प्रॉप्स डॉट सेट स्टेट, ओके। एंड यहां पर आ जाएगा हमारा न्यू वैल्यू, ओके। एंड
इसको हम कॉपी करेंगे जो हमारी स्टेट थी, यहां पर कर देंगे प्रॉफ डॉट इज ओपन कैटेगरी पैनल, ठीक है। एंड इसको हम हटा देंगे, इसको भी हटा देंगे। अब चेक करते हैं गाइस, तो यहां पर क्या बोल रहा है ये, ओपन कैटेगरी पैनल इज नॉट डिफाइंड, कहां पर ओपन कैटेगरी पैनल इज नॉट डिफाइंड, यहां पर बोल रहा होगा ये, नहीं ये फंक्शन तो रहेगा रहेगा हमारा यहां पर, ठीक है। देखिए गाइस इसके क्लिक पे अब ये ओपन हो रहा है, एंड यहां पर हमको क्या करना होगा, ऑन क्लिक पे मैंने इसको ट्रू कर दिया, एंड यहां पर सेट हमको ये भी पास कर लेना है, देखिए गाइस अब प्रॉपर तरीके से ये चल रहा है हमारा ना। सो गाइस मैं आपको दोबारा समझाता हूं कि हमने कैसे किया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने ये जो नेविगेशन का कंपोनेंट है इसमें ये स्टेट लिया, उसमें मैंने फॉल्स कर दिया, इस ओपन कैटेगरी पैनल सेट इस ओपन कैटेगरी पैनल में फॉल्स कर दिया। अब मैंने एक फंक्शन बनाया है जिसमें ये हमारा ट्रू हो जाएगा, ठीक है। एंड फिर इस बटन पे जो ये लिखा है ना शॉप बाय कैटेगरी, इसके क्लिक पर ये हो गया हमारा ट्रू, ट्रू हो गया। अब यहाँ पर नीचे आते हैं, यहाँ पर मैंने क्या पास किया हुआ है, एक फंक्शन पास किया हुआ है, ठीक है। एंड इसको हम यहाँ से क्लोज भी कर सकते हैं, ठीक है ना, जब भी चलेगा ये, क्योंकि हमको बस एक ही फंक्शन हमको टॉप पे चाहिए था। इसमें हमने उस स्टेट की वैल्यू दी है एंड उस सेट स्टेट की वैल्यू दी है बस, ठीक है। एंड फिर मैं जब यहाँ पर जाऊंगा ना, मैंने यहाँ पर प्रॉप पास किया हुआ है, एंड यहाँ पर ये टुगल ड्रॉअर ये कॉल हो रहा है, ट्रू फॉल्स जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। एंड बस मैंने यहाँ पर क्या कम किया, प्रॉप डॉट सेट इज ओपन पैनल, ट्रू फॉल्स इसके अंदर जाएगा, एंड यहाँ पर ओपन के अंदर क्या जा रहा है हमारा, ओपन के अंदर ये वाली वैल्यू जो हमारे पेरेंट कंपोनेंट के अंदर है इस ओपन कैटेगरी पैनल, वो यहां से हमारा मैनेज हो रहा है, इस स्टेट से मैनेज हो रहा है हमारा, ठीक है। सो गाइस देखिए प्रॉपर तरीके से हमारा ये चल गया है, एंड अब हम आगे का इसमें काम करेंगे। सबसे पहले मैं लिखूंगा यहाँ पर शॉप बाय कैटेगरीज, तो यहां पर कहां पर जाएगा, यहां पर जाऊंगा मैं, तो शॉप बाय कैटेगरीज में जाऊंगा, ये सारी हमारी लिस्ट है, ठीक है। तो यहां पर देखिए क्या आ रहा है, यहां पर इनबॉक्स स्टार्टेड सेंड ईमेल ड्राफ्ट एंड यहाँ पर ऑल ईमेल, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, ये सारी लिस्ट है तो मेरे को यहाँ पर कर लेना है, यहाँ पर H3 में शॉप बाय कैटेगरीज, ये यहाँ पर आ गए शॉप बाय कैटेगरीज, ठीक है। एंड इसके बाद मुझे थोड़ा सा यहाँ पर पैडिंग देनी है, यहाँ पर मैं क्या करूंगा, देखिए कितना अच्छा लग रहा है, नहीं यहां पर टेक्स्ट कर देंगे हम, यहां पर 20px, मैंने टेक्स्ट यहां पर 20px कर दिया है, ठीक है। तो दोस्तों इसके बाद हम देखिए ओपन क्लोज हमारा हो रहा है, ठीक है। यहां से हम क्या करेंगे, इस बटन को रिमूव कर देंगे, यहां से रिमूव कर दिया, अब देखिए ऐसा आ रहा है, ठीक है। अब हमको ना ये साइड पैनल बना लेनी है, ये यहां पर आ गया, एंड इसका फॉन्ट साइज कहां पर आ रहा था, यहां पर आ रहा ऊपर 18 कर देंगे, एंड यहां पर फॉन्ट कर देंगे 500 आ रहा है यहां पर, थोड़ा सा फॉन्ट साइज और कम करना पड़ेगा हमें, 16 करके देखते हैं, अब अच्छा आ रहा है, ठीक है। एंड यहां पर एक क्लोज का आइकन भी आना चाहिए, जैसे कि ये आ रहा है, ठीक है ना। तो मैं यहां पर आइकन सर्च करूंगा क्लोज, मैंने यहां पर देखिए आइकन आ गया हमारा क्लोज का, तो मैं ये वाला ले लूंगा, इसको मैंने यहां पर इंपोर्ट किया, इसको रिमूव कर देंगे, अभी इसको भी हटा देंगे, एंड यहां पर आइकन आ जाएगा, एंड ऑन क्लिक पे इसको हम फॉल्स कर देंगे यहां पर, ओके। अब चेक करते हैं हम, यहां पर ये क्या इशू बता दिया इनने,
लिस्ट आइटम इज नॉट डिफाइंड, यानी कि मैंने ये हटा दिया है कुछ लिस्ट आइटम टेक्स्ट, इसे मैंने कॉपी किया एंड सबसे पहले मैं इसे कॉपी करूंगा एंड यहां पर इसे कॉपी करके दोबारा आइकन को यहां पर पेस्ट करूंगा, ऑन क्लिक को यहां पर ऐड कर लूंगा। अब चेक करते हैं जरा, देखिए आइकन यहां पर आ गया, इस पर क्लिक करता हूं ये बंद भी हो रहा है। एंड फिर मैं यहां पर करूंगा फ्लेक्स आइटम सेंटर ओके एंड जस्टिफाई बिटवीन, सो यहां पर ये लास्ट में आ जाएगा हमारा, ये आ गया। एंड यहां पर क्लास दूंगा मैं कर्सर पॉइंटर एंड यहां पर फॉन्ट, यहां पर टेक्स्ट आएगा 20px। अब अच्छा लग रहा है ना, देखिए कितना अच्छा लग रहा है। एंड इसके बाद अब यहां पर मेरे को आइटम्स लाने हैं सारे, ठीक है ना। तो देखिए आइटम्स यहां पर कैसे आएंगे, ये जो हमारी लिस्ट आ रही है ना, लिस्ट आ रही है और लिस्ट आइटम्स आ रहे हैं, इसको मैं यहां से रिमूव कर दूंगा। यहां से अपना डालेंगे हम खुद का। तो यहां पर मैंने ये सारे हटा दिए, सिर्फ बटन रखूंगा यहां पर मैं, ठीक है। अब यहां पर देखिए क्या रहे, फैशन ज्वेलरी वॉचेस ये सब डाल दूंगा मैं। सो मैं यहां पर आऊंगा एंड यहां पर स्क्रॉलिंग तो किस में आ रही है, स्क्रॉलिंग नहीं, चलिए स्क्रॉलिंग तो बाद में कर लेंगे हम, एक डालेंगे हम स्क्रॉल। एंड यहां पर जाके हम यहां पर क्या करेंगे, यूएलएलआई बनाएंगे। सबसे पहले हमको देखिए कोलैप्स यूज कर लेना है, कोलैप्स तो हम इसको ना खुद से भी बना सकते हैं, ठीक है ना। कोलैप्स को सिंपल हम कोलैप्स बनाएंगे, इसके अंदर एक एलआई यूज करा, लिफ्ट नन एंड यहां पर विड्थ फुल हो जाएगी हमारी ओके। एंड यहां पर हमको ऐड करना है इसमें बटन, बटन में फैशन, तो देखिए ये फैशन यहां पर आ गया एंड इसके क्लिक पर ये बंद हो रहा है हमारा, ठीक है। तो इसके क्लिक पर हमको यहां से ही हटा देना है, ठीक है ना। ये देखिए बाहर बाहर हो रहा है, इसके क्लिक पर ये बंद नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये फैशन आ गया हमारा एंड यहां पर क्लास नेम विड्थ फुल कर दिया, ठीक है। विड्थ फुल करने के बाद ये हमारा बटन देखिए ऐसे आ गया एंड यहां पर टेक्स्ट लेफ्ट कर देंगे एंड जस्टिफाई कंटेंट स्टार्ट यहां पर नहीं आ रहा है, तो मुझे यहां पर क्या करना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट, क्योंकि ना डिफॉल्ट में इसका वो लग के आता है यहां पर, ठीक है। ये फैशन आ गया है यहां पर एंड यहां पर हमारा जो ये px 3 कर देंगे यहां पर, जैसे कि थोड़ा सा पैडिंग इसके बराबर आया हमारा, इंपॉर्टेंट कर दिया, देखिए इसके बराबर अब इक्वल आ रहा है। एंड यहां पर टेक्स्ट ब्लैक कर देंगे एंड टेक्स्ट ब्लैक ऐसे ना करके RGB में लेंगे 0.8, अब थोड़ा सा ये अच्छा लग रहा है ओके। एंड इसके आगे ये प्लस का आइकन हमको लगाना है, हमने यहां पर प्लस का आइकन ऐड किया तो ये वाला आइकन एंड वो आएगा हमारा यहां पर, मैंने इसको यहां पर इंपोर्ट कर लिया एंड मैं आऊंगा यहां पर, अब इसको इंपोर्ट करने के बाद ये वाला ओके। देखिए यहां पर ये आ रहा है ऐसा एंड यहां पर मैं कर दूंगा फ्लेक्स आइटम सेंटर, ये आ गया। एंड दोस्तों यहां से थोड़ा सा इसको करेंगे रिलेटिव एंड यहां पर क्लास नेम एब्सोल्यूट, टॉप से 5px, राइट से 5px, ये ऐसा आ रहा है हमारा। एंड राइट से इसको करेंगे 15
यस आ रहा है ठीक है, एंड टॉप से भी इसको 10 कर देंगे। सो गाइस देखिए अब परफेक्टली ये हमारा आ रहा है एंड इसके ऑन क्लिक पर हम आगे काम करने वाले हैं ठीक है। एंड तो यहां पर जाएंगे अब इसके अंदर ना हम सब मेन्यू बनाएंगे, ये वाली ठीक है। तो मैं यहां पर क्या करूंगा सब मेन्यू बनाएंगे यहां पर, देंगे एलआई में लिस्ट नन, ओके लिस्ट नन दे दिया। तो यहां पर हमको क्या करना है सेम टू सेम यही चीजें आ जाएंगे यहां पर ठीक है। एंड यहां पर आएगा हमारा रिलेटिव, ये ऐसा आ रहा है। एंड यहां पर हम क्या करेंगे एब्सोल्यूट टॉप से 100%, लेफ्ट से 100% करेंगे एंड यहां पर विड्थ इसकी फुल कर देंगे ठीक है। तो यहां पर देखिए ये राइट में आ रहा है ऐसे, अच्छा लेफ्ट में हम क्या करेंगे जीरो। देखिए यहां पर ये इसके अंदर आ रहा है ठीक है। तो ये कैसे पता लगेगा कि ये इसके अंदर आ रहा है, तो यहां पर हम थोड़ा सा पीएल 3 कर देंगे एंड पीआर 3 कर देंगे। तो देखिए यहां पर इसके अंदर ये पता लग रहा है हमको, लेकिन यहां पर पीआर हटा देंगे हम, ओके देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना ये। अब मैं इसके अंदर ऐड करूंगा ये वाला, बट यहां पर एक चीज हो रही है, यहां पर एक क्लास ऐड करेंगे हम कैटेगरी, कैटेगरी पैनल। अब यहां पर जाके ये नेविगेशन इसकी है ना, ये स्टाइल और सीएसएस नेविगेशन की है, ये नेविगेशन में ही हम बना लेंगे ठीक है। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कैपिटलाइज इसको इंपोर्टेंट कर देंगे एंड यहां पर हमको नेविगेशन में इसको इंपोर्ट भी कर लेना है नेविगेशन में स्टाइल डॉट सी एस एस। देखिए अब आ गया है ओके। एंड इस पे हमको क्या कर लेना है, यहां पर कर्सर पॉइंटर एंड इसको कॉपी कर लेना है, नीचे भी ऐड कर लेना है। अच्छा यहां से ये यहां पर नहीं आएगा, एक्चुअल में ये यहां पर आएगा एंड इसमें भी। तो देखिए यहां पर क्लिक आ रहा है ओके। एंड अब इसके अंदर भी और चीजें हैं ये वाली ठीक है ना। अब इसके अंदर सिंपल हम लिंक बनाएंगे, तो मैंने क्या काम किया इसको कॉपी किया, कॉपी करने के बाद मैं इसके बाद यहां पर मैंने क्या काम किया, इस बटन को तो हटाएंगे, इसको कर देंगे लिंक टैग। एक्चुअल में गाइस ये लिंक टैग ना सब में ही होगा। एंड यहां पर हम क्लास ऐड करेंगे लिंक, सो यहां पर ये जो लिंक है इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा रिएक्ट ड्राफ्ट डॉम से। सो देखिए यहां पर ऐसा आ रहा है ये ओके। एंड लिंक तो मैंने कर ही लिया है, लेकिन यहां पर क्यों नहीं आ रहा, लिंक तो आ ही रहा है यहां पर क्लास, यहां पर कुछ एरर आ गया है, लिंक इज नॉट डिफाइंड, लिंक तो मैंने कर लिया है। एंड यहां पर जाएंगे जरा, आ तो रहा है लिंक, मैं एक बार रिफ्रेश करता हूं इसको। एंड यहां पर अब कोई एरर नहीं है ठीक है, बट यहां पर लिंक क्यों नहीं आ रहा। यहां पर जाऊंगा मैं
अच्छा यहां पर मैंने ये टैक्स दे रखा है ना, इसलिए देखिए अब आ गया ठीक है। एंड थोड़ा सा मुझे यहां पर ट्रांजिशन ये कर लिया है, एंड यहां पर टेक्स्ट 14px। ठीक है ना, ये आ रहा है। अब इसके अंदर क्या होगा, ये कोई आइकन नहीं होगा ठीक है ना। अब देखिए गाइस यहां पर हमको लिंक लगाने हैं, सो मैं इसे कॉपी करूंगा। सबसे पहले मुझे यहां लगाना है लिंक, कहां पर, यहां लगा लूंगा लिंक, क्योंकि यहां भी हमारे लिंक होने हैं ठीक है। एक यहां लगा लिया, बटन से पहले लगा लिया। एंड यहां तो आ ही रहा है हमारा। सो गाइस देखिए यहां पर प्रॉपर तरीके से लिंक आ रहा है। एंड मेरे को क्या करना है यहां पर, विड्थ फुल कर लेना है, जैसे हमारा यहां पर देखिए विड्थ फुल आ जाए। ओके एंड इसको कॉपी करूंगा, यहां पे ऐड कर लिया। यहां पर ही मैंने, अच्छा विड्थ फुल ऑलरेडी यहां पर आया हुआ है। सो गाइस देखिए अब सबके अंदर आ रहा है ठीक है ना, कितना अच्छा लग रहा है ना। ओके गाइस सो चलिए अब इसमें ना आगे का काम हम करते हैं ठीक है ना। एक मिनट, सो गाइस देखिए इतना तो हमारा हो गया। अब हमको ना इसको यहां पर मेरे को थोड़ा सा क्या करना है, एलआई को कॉपी करना है, तीन चार चीजें यहां पर ऐड कर लेनी है ऐसे। इसके अंदर स्मार्ट टैबलेट, एंड ये आ जाएगा अब, एंड ये आ जाएगा इसके बाद, एंड इसके बाद आ जाएगा ये। ओके ये यहां पर आ गया है। एंड थोड़ा सा हम यहां पर क्या कर लेंगे, MB2 यानी कि थोड़ा सा स्पेस यहां पर MB1 करेंगे, जैसे थोड़ा सा इनके बीच में ना स्पेस भी आ जाए। अब ये स्पेस नहीं आ रहा है, ठीक है ये हमने इतना कर लिया। अब दोस्तों इसको ना हमको ओपन क्लोज करने की बारी है ठीक है। सो देखिए ओपन क्लोज कैसे करेंगे, तो सबसे पहले मुझे क्या कर लेना है, यहां पर आऊंगा, इसके अंदर पहले मुझे देख लेनी है ये कैसे चल रहा है हमारा सब मेन्यू। इसको डिस्प्ले रन कर देना सब मेन्यू को ठीक है ना। अब इसके क्लिक पर वो सब मेन्यू हमारी ओपन होने वाली है, तो इसका नाम तो मैंने दिया सब मेन्यू, कहाँ गया, देखिए फर्स्ट वाले का नाम दिया सब मेन्यू, एंड इसके नाम इसका नाम करा हमने इनर सब मेन्यू। ओके एंड बात तो एक ही है। अब देखिए इसको कैसे करके हम ओपन क्लोज करते हैं गाइस ठीक है, सिंपल है। अभी ये हमारा डायनेमिक नहीं है, तो थोड़ा कोड हमारा लेंथी हो जाएगा ठीक है। तो मैं यहां पर क्या करूंगा, इसके क्लिक पर, ऑन क्लिक पर ओपन सब मेन्यू 0, यहां पर इंडेक्स देना है हमको ठीक है। तो मैं फर्स्ट वाला पहले आपको करके दिखाऊंगा, यहां पर हमारा इंडेक्स आएगा। एंड यहां पर मैं क्या करूंगा, एक स्टेट लूंगा, सब मेन्यू इंडेक्स सेट
सम मेन इंडेक्स यूनिस्टेट एंड इसमें मैं कर दूंगा अभी नल, ठीक है। एंड यहां पर जाके इसमें मैं डिफाइन करूंगा इसका इंडेक्स, यहां पर कर लिया। अब मैं यहां पर क्या करूंगा गाइस, सब मेन्यू जीरो, ठीक है ना। तो मुझे कौन सा रेंडर कराना है, ये वाला, अब चेक करते हैं। देखिए मैं रिफ्रेश करता हूं इसको एंड यहां पर जाके नहीं आ रहा। अच्छा यहां पर हमने डिस्प्ले नन किया हुआ है इसको ना, तो मैं इसको हटा देता हूं। अभी मैं रिफ्रेश करता हूं, देखिए गाइस ये हमारा ये ओपन हो चुका है इस तरीके से, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हमको क्या कर लेना है, यहां पर क्या कर लेना है मुझे, एक कंडीशन लगा लेनी है कहां पर, यहां पर, इफ अगर मैंने सेम उस पर क्लिक किया हुआ है तो मैं यहां पर क्या करूंगा, इसे कॉपी किया, इसे नल कर दिया, अदरवाइज मैं यहां पर इंडेक्स सेंड कर दूंगा। देखिए है ना, ये हमारा टूगल फंक्शन बन गया हमारा, देखिए कितने अच्छे तरीके से, ठीक है। एंड सेम टू सेम उसके लिए होगा हमारा ओपन इनर सम मेन्यू, ओके। एंड सम यहां पर आएगा हमारा इनर सम मेन्यू एंड सेट इनर सम मेन्यू, यहां पर ही आ जाएगा, ओके। एंड इसके हमें कॉपी बनाएंगे, यहां पर ही आ जाएगा, कॉपी करेंगे एंड यहां पर पेस्ट करेंगे एंड इसका नेम ये वाला एंड यहां पर पेस्ट, ओके। एंड यहां पर हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को कॉल करेंगे कहां पर, इसके अंदर ऑन क्लिक, यहां पर आएगा जीरो, ठीक है। एंड अब चेक करेंगे हम जरा, एंड जीरो आया है, इसे कॉपी करेंगे एंड यहां पर आएंगे जीरो एंड एंड ये वाला ओपन कर लेंगे हम। अब चेक करते हैं दोस्तों हम, देखिए ऐसा आ रहा है, देखिए कितने अच्छे तरीके से ये बन गया हमारा ना। हमको फास्ट काम करना है, ओके। एंड ऑल्सो यहां पर देखिए माइनस का भी आना है, आना चाहिए आइकन यहां पर, तो हमने यहां पर प्लस माइनस किया, सो माइनस के अंदर ये आ गया हमारा, इसे मैंने कॉपी किया यहां पर ऐड कर लिया। एंड देखिए माइनस कहां पर यूज होगा हमारा, ये है, ठीक है ना। एंड यहां पर देखिए दो आइकन आएंगे यहां पर, एक मिनट, मैंने इसे कॉपी किया पेस्ट किया एंड यहां पर इसका नेम चेंज कर दिया बस। एंड देखिए यहां पर दो आइकन आ गए होंगे हमारे प्लस एंड माइनस का, यहां पर माइनस का नहीं आया, आया होगा, अच्छा ये इसी के ऊपर है ना, तो इसलिए नहीं आ रहा यहां पर ना। देखिए मैं प्लस को हटाता हूं, ओके। मैं अगर प्लस को हटा देता हूं यहां से तो देखिए माइनस आ गया, ठीक है। अब देखिए मेरे को ना यहां पर कंडीशन बेस पे काम करना है, इंडेक्स सम मेन्यू इंडेक्स जीरो, अगर ये जीरो हो गया तो यहां पर माइनस आएगा, अदरवाइज यहां पर आएगा प्लस, देखिए गाइस ये प्लस माइनस भी हो रहा है हमारा ना। अब नीचे का भी लगा लेते हैं मैसी, इसको मैंने कॉपी किया एंड सेकंड ये रहा, बस यहां पर ही फंक्शन चेंज कर देंगे बस, यहां पर आ गया,
एक मिनट रिफ्रेश करूंगा मैं। मैंने इस पे क्लिक किया तो ये भी माइनस हो रहा है हमारा। अच्छा यहां पर देखिए सब मेन्यू इंडेक्स है ना, यहां पर ये कर लेना है हमको। ओके देखिए गाइस अब ये हो रहा हमारा प्रॉपर तरीके से, देखिए कितने अच्छी तरीके से हमारा काम हो गया है। सो गाइस ये तो हमारा बन गया है, ठीक है। एंड मैं थोड़ा सा अभी यहां पर क्या करूंगा, ये जो अलाई है कॉपी करके पेस्ट करूंगा, और सेकंड का भी आपको दिखा दूंगा जरा। यहां पर करूंगा मैं वन, पहला एलआई को बंद कर दिया हमने, फिर ये आया वन, यहां पर वन कर दिया, यहां पर भी वन कर दिया। ओके एंड इसके अंदर हमको डालना है फैशन की जगह, जिसके अंदर हमारा आइकन हो। ये क्या हुआ, अच्छा आउटवेयर कर दिया मैंने यहां पर। ओके अब थोड़ा नीचे आते हैं, वन 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 कर दिया, ये भी हमने वन कर दिया, ये भी वन कर दिया। तो ये जब हमारी डायनेमिक चीजें होंगी ना, जब बहुत इजी काम हो जाएगा हमारा। अभी तो ये स्टैटिक है ना सारी। एंड गाइस देखिए अब चेक करते हैं हम जाके, यहां पर मैंने कुछ गलत कर दिया था यहां पर। सो मेन्यू वन 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 वन, तो क्यों नहीं चल रहा ये। यहां तो चल रहा है, तो यहां पर क्या हो गया ये। जस्ट ए मिनट, मैं इसको थोड़ा सा दोबारा करता हूं। ये हमारा सही चल रहा है, मैंने इस एलआई को पेस्ट कर दिया। यहां पर मैं करूंगा वन वन वन, यहां पर भी वन कर दिया, यहां भी वन कर दिया, वन वन। ये क्यों हो रहा है ऐसा। अच्छा ये दोस्तों इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने यहां पर इसको एब्सोल्यूट दे रखा है। ओके ये हटा देंगे हम, इस आइकन को नहीं हटाएंगे, ये जो सब मेन्यू में आ रहा है। ओके ये यहां से हमने हटा दिया, और कहां से हटाएंगे, सब मेन्यू पे से हटाएंगे ओनली, क्योंकि इसलिए वो ओवरलैप कर रहा है, वो एब्सोल्यूट है ना इसलिए। अब देखिए प्रॉपर चलेगा ये, ठीक है ना। बट यहां पर अब हमको क्या करना है, एलआई पर जाएंगे एंड यहां पर फ्लेक्स कॉलम ऐड कर देंगे। देखिए यहां पर आ गया। ओके कितने अच्छे तरीके से यहां पर आ गया है। एंड इसको कॉपी करेंगे फ्लेक्स कॉलम को, एंड ये जो सेकंड एलआई आ रहा है यहां पर ऐड कर लेंगे। अब चेक करते हैं दोस्तों, देखिए अब प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है हमारा, ठीक है। वेरी गुड। सो गाइस देखिए इतना हमारा बन गया है, ठीक है ना। ये भी हमारी बन गई है, बस आपको अब कॉपी पेस्ट ही करना है, ठीक है। उसके बाद टू कर देना, उसके बाद थ्री कर देना, उसके बाद फोर कर देना, उसके बाद फाइव कर देना गाइस, ठीक है।
एंड गाइस देखिए, अब इसके बाद हमारी सिर्फ ये चीज रह गई है, ये मेगा मेन्यू बनाने, या फिर हम मेगा मेन्यू बनाएंगे, मेगा मेन्यू ही बनाना पड़ेगा यहाँ पर हमको, ठीक है। सब मेन्यू भी बना सकते हैं हम, जैसे कि हमने यहाँ पर आ जाएगा फैशन, फैशन के अंदर ये आ जाएगा वुमेन, एंड मेगा मेन्यू ना बना के ना सिंपल ड्रॉप डाउन ऐसे करके बनाते हैं गाइस, ठीक है। मेगा मेन्यू ना बना के, क्योंकि मेगा मेन्यू में चीज़ें थोड़ी अच्छी नहीं होंगी। एंड चलिए स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। सो मैं आऊंगा नेविगेशन पे, इसके बाद सब मेन्यू किया मैंने यहां पर, एंड इसका होगा हमारा एब्सोल्यूट, टॉप से 100%, लेफ्ट से होगा हमारा 0%, ओके। एंड यहां पर विड्थ हम कर देंगे इसकी मिनिमम विड्थ, मिनिमम विड्थ होगी हमारी 300 px, एंड यहां पर बीजी वाइट, एंड यहां पर शेडो MD, ओके। एंड यहां पर हम क्या करेंगे, ULLI, LI पे आएंगे यहां पर, क्लास नेम लिफ्ट नन, ओके। एंड यहां पर अब हम यूज करेंगे बटन, जैसे हमारा ये फैशन था, तो यहां पर आ जाएगा हमारा मैन। सो चेक करेंगे कैसा आ रहा है फैशन। एंड यहां पर हमको एक चीज और करनी पड़ेगी, एलआई में रिलेटिव, जब इसी के अंदर आएगा वो, देखिए इसके अंदर आ गया वो, ओके। एंड यहां पर मैं क्या करूंगा, क्लास नेम टेक्स्ट, एंड यहां पर थोड़ा सा इम्पोर्टेंट ऐसे आ रहा है, ठीक है। थोड़ा सा ये 300 ना काफी ज्यादा हो गया है, सो मैं मिनिमम विड्थ मैं ये कर दूंगा, ठीक है। एंड मैं इसको कॉपी पेस्ट करूंगा, यहां पर हो गया मैन, यहां पर हो गया वुमेन, किड्स एंड गर्ल्स, किड गर्ल्स एंड मैन वुमेन किड्स गर्ल्स बॉयज, ओके। इतना मैंने कर दिया, अब देखिए कैसा आ रहा है यहां पर, यहां पर ये कैसा आ रहा है जी, सब वुमेन, वुमेन कितना अजीब सा आ रहा है यहां पर, चीज तो एक ही है। सो मैं यहां पर क्या करूंगा, W फुल यहां पर ऐड कर लूंगा, एंड यहां भी W फुल ऐड करूंगा, ठीक है। ये ऐसा आ रहा है। एंड यहां पर एक और चीज करनी पड़ेगी हमको बटन में, टेक्स्ट लेफ्ट, जो कि हमारा इंपोर्टेंट होएगा, एंड यहां पर जस्टिफाई कंटेंट स्टार्ट, एंड जो कि ये भी हमारा इंपोर्टेंट रहेगा। सो ये दोनों क्लास भी हमको बटन में ऐड करनी पड़ेंगी यहां पर। ठीक है ना, अब आगे देखो, अच्छा है नहीं। एंड एक और चीज हमको यहां पर करनी पड़ेगी दोस्तों, राउंडेड नन, राउंडेड नन कर दिया हम, क्योंकि हमको इसमें बॉर्डर रेडियस नहीं चाहिए, इसको भी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये मेटल यूआई का बटन है ना, इसलिए तो राउंडेड हमने कहां कहां पे कर दिया, यहां भी कर दिया, यहां भी कर दिया, यहां भी कर दिया, हर जगह कर दिया है। सो देखिए यहां पर कोई भी बॉर्डर नहीं आ, वो रेडियस नहीं आ रही है ना, तो कितनी अच्छी लग रही है देखिए। अब इसको पहले हम ओपन क्लोज करवा लेते हैं, ठीक है। तो मैं यहां पर क्या करूंगा, एब्सोल्यूट टॉप से करता हूं मैं 120, ओपेसिटी 0, एंड विजिबिलिटी 0, ओके। सो यहां पर नहीं आ रहा कुछ भी। एंड यहां पर मैं क्या करूंगा, इसकी एक क्लास ऐड कर दूंगा, नेव,
नेव के अंदर यूएल एलआई में जो होवर है, सब मेन्यू है, ओपेसिटी 1 कर देंगे यहां पर। ओके, एक चीज बस यहां पे लिखेंगे हम विजिबिलिटी हिडन। ओके, एंड यहां पर ट्रांजिशन ऑल 0 पॉइंट, या फिर ट्रांजिशन ना हम यहां पर दे देंगे यहां से, ट्रांजिशन हम देंगे यहां पर ट्रांजिशन ऑल। ओहो, ट्रांजिशन ऑल कर देंगे। ओके, एंड यहां पर आ गया, एंड यहां पर विजिबिलिटी इनहेरिट। अब चेक करते हैं एक बार ओवर में सब मेन्यू सही तो आ रहा है, एंड क्या हो गया इसमें, अब ओपेसिटी, देखो ओपेसिटी 0 है ना, ओपेसिटी 0 है, बट मैंने यहां पर सब मेन्यू, अच्छा ये एक्चुअल में हमारा यूएल ही नेव है। अब चेक करते हैं, देखिए वेरी गुड, कितना अच्छा आ रहा है ना, एंड यहां पर ओके सो टॉप से 120% था, एंड यहां पर कर देंगे हम टॉप से 0%, टॉप से 100 करेंगे यहां पर। बट यहां पर देखिए होवर कर रहा हूं तो ऐसे आ रहा है, विजिबिलिटी हिडन नहीं होती है। ओके ओके ओके, यहां पर देखिए क्या हो रहा है, एलआई के अंदर है ये, है ना, देखिए अब ठीक चल रहा है, बिल्कुल ना देखिए अब ठीक चल रहा है प्रॉपर तरीके, कितनी अच्छी तरीके से हमारी ये मेन्यू भी बन गई है। बट इसके अंदर हमारे ना हमने वो नहीं डाला है, क्या नाम है इसका, लिंक टैग, तो यहां पर हम लिंक टैग भी ऐड कर देंगे यहां पर, स्लैश लिंक हो गया यहां पर, एंड यहां पर 2 में जाएगा ये, एंड इसकी क्लास नेम में विड्थ फुल जाएगी। ओके, अब देखिए लिंक यहां पर आ रहा है, ठीक है, सेम टू सेम सबके अंदर कॉपी पेस्ट करेंगे हम, पहले यहां कर लिया, यहां कर लिया, यहां कर लिया, यहां पर कर लिया हमने, एंड यहां पर कट करके बटन के बाद, ये कट करके बटन के बाद, ओके, एंड ये कट करके बटन के बाद, ये कट करके बटन के बाद, बस। अब चेक करते हैं प्रॉपर, यहां पर देखिए लिंक भी आ गया होगा हमारा, वेरी गुड परफेक्ट, है ना। अब इसके अंदर हमको एक और सब मेन्यू बना लेनी है, जो कि मैं क्या काम करूंगा, इसे कॉपी किया पूरा, ठीक है ना, एंड मैन के अंदर ऐड करूंगा मैं, मैन के अंदर यहां पर, ओके ये हमारा मैन के अंदर है, एंड टॉप से तो होगा हमारा 0, लेफ्ट से 100%। ओके देखिए ऐसा आ रहा है, ओके एंड यहां पर मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको रिलेटिव, रिलेटिव देखिए ऐसा आएगा, ये टॉप से टॉप से तो मुझे होवर में, अच्छा अब यहां पर मुझे क्या कर लेना है, सब मेन्यू के अंदर एलआई में सब मेन्यू जो है, ठीक है, एंड उसमें भी ये तो सही है हमारा, एंड यहां पर जाएगा हमारा टॉप से 0px एंड लेफ्ट से 100%। अब चेक करते हैं एक बार जरा, देखिए अभी ऐसा आ रहा है, ठीक है अच्छा आ रहा है हमारा, एंड इसके बाद हमको यहां पर क्या कर लेना है, लेफ्ट से तो 120 करा, एंड यहां पर होवर में सब मेन्यू लेफ्ट से 100%। देखिए ओके, एंड यहां पर मुझे क्या कर लेना है, ओपेसिटी 0 एंड यहां पर ओपेसिटी
वन, एंड यहां पर भी, यहां पर ओपेसिटी मुझे इंपोर्टेंट करना पड़ेगा, ठीक है, एंड फिर यहां पर इंपोर्टेंट। देखिए गाइस कितने अच्छी तरह से हमारा है ये बन गया है ना। एंड सब मेन्यू एलआई होवर में, एलआई होवर में बटन, ये जो बटन है ना कलर, कलर मैंने ये कर दिया, सब मेन्यू में होता है ये, सब मेन्यू में बटन होवर, या फिर हम एल आई होवर करते हैं, एल आई होवर में बटन, इससे क्या होगा हमारा गाइस, देखिए ये पता भी लगता रहेगा हमको, ठीक है। एंड सब मेन्यू के अंदर मैं क्या करूंगा, कलर आरजीबी है 0.8, पहले तो मेरे को इसको इंपोर्टेंट कर लेना है, एंड इसे कॉपी करना है, एंड बटन होवर करना है यहां पर, एंड यहां पर कलर ये वाला रिप्लेस कर देना है। तो देखिए अब कितना अच्छा लगता है ये, देखिए गाइस कितना अच्छा लग रहा है ना, तो हमको प्रॉपर तरीके से पता भी चल रहा है कि हम किस पे हैं अभी। एंड यहां पर जाके हम क्या करेंगे, सब मेन्यू में बटन फॉन्ट वेट, अब थोड़ा सा गाइस ये थोड़ा सा ये अच्छा लग रहा है ना, थोड़ा सा मुझे बस ये तो थोड़े बहुत सीएसएस लिखनी पड़ेगी अगर काम अच्छा करना है तो। देखिए अब कितना अच्छा लग रहा है ना, एंड थोड़ा सा मेरे को यहां पर जब 200 किया मैंने, 150 कर देंगे, 150 अच्छा है ना। तो ऐसे ही आप और इसका भी सब मेन्यू बना सकते हैं, और किसी का भी है ना। सो मैं यहां पर जाऊंगा यही सब मेन्यू देखता हूँ जरा, इसके बाद का सब मेन्यू है, यहां से टी शर्ट जींस, ओके, यहां से फुटवेयर, एंड यहां से हम वॉच, कुछ भी आप ऐड कर सकते हैं यहां पर, देखिए है ना। एंड वॉच के बाद पैंट्स, जो भी लिखना है आपको, ठीक है ना। यहां पर देखिए कितने अच्छे से आ गए हैं, ओके। सो यहां पर हमारा इतना तो आ गया है, हम चाहते तो मेगा मेन्यू भी बना सकते हैं, बट यही थोड़ा सा सही लग रहा है मुझे, ठीक है ना। अगर यहां पर डेटा किसी पे ज्यादा होगा नहीं ना, तो फिर भी अच्छा लगेगा ये, ठीक है गाइस। एंड देखिए कितना अच्छी तरीके से हमने ये अब हेडर पार्ट कंप्लीट कर लिया है अपना, एंड इसमें तो सब कुछ हो ही गया गाइस, ओके। एंड गाइस आज की वीडियो में इतना ही, ओके। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो प्लीज मेरे चैनल एडवांस यूआई टेक्निक्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं आपके लिए बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करा रहा हूं यूट्यूब पर, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम इसमें आगे से बनाना स्टार्ट करेंगे, ओके। थैंक यू फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ओके।